सभी 49,568 साथियों को नमस्कार। भाइयों, मैं अजीत यादव यूपीपी लीगल टीम से। भाइयों, आज 8 तारीख है और आप लोगों का रिट नंबर आ गया है, जो कि आप लोगों की याचिका पड़ी थी अक्टूबर महीने में और उसका रिपोर्टिंग जो है कि नवंबर में हुआ था और उसकी जो है कि रिट नंबर आज आ गया है। रिट नंबर आ जाने से आप लोग जो है कि लीगल तौर पर याची बन चुके हो। लीगल तौर पर इसलिए कि रिट नंबर आ जाने के बाद आप लोग अपना स्टेटस वगैरह जो है कि ऑनलाइन चेक कर लोगे। अभी आप लोगों की टोटल 3 रीटें डाली गई थी। टोटल 3 रीटें थी जो है कि एक हैप्पी यादव नाम से और एक विकास के नाम से और एक इनके मथुरा के नाम से। लेकिन मथुरा जी लखनऊ के इनका एड्रेस था तो मथुरा की जगह पे अमरजीत यादव को जो है कि मुखियाची बनाया गया था, जिसमें कि खरे साहब एंगेज हैं। ठीक है, तो वो जो है कि इसका रीट नंबर पहले आया है क्योंकि इसका रिपोर्टिंग नंबर 136 था, तो इसलिए इसका पहले आया है। आज शाम तक या कल तक जो है कि विकास का रीट नंबर आ जाएगा और अगले एक दो दिन में ही जो है कि हैप्पी वाई का भी रीट नंबर आ जाएगा। तो अभी ओवरऑल बताना यही है कि पहले अमरजीत यादव का रीट नंबर आ गया है, इसको ग्रुप में डाल दिया गया है और जल्द इसकी सुनवाई होगी 49,568 कैंडिडेट्स की। अगले जो है कि या तो 10 तारीख को इसकी सुनवाई होगी या 14 या 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। पहली हियरिंग जो आप लोगों की लगेगी वो 10 तारीख को या फिर 14 या 15 तारीख को लगेगी, यही बताना है आप लोगों को। और ये अभी तक रिट नंबर मिला है, रिट नंबर में आप लोग देख सकते हैं इसमें अमरजीत यादव एंड 34 अदर्स हैं। इसमें अपने अधिवक्ता का नाम देख सकते हैं और सीनियर एडवोकेट उसमें एंगेज है, उसमें साफ लिखा हुआ सीनियर एडवोकेट। और उसके बाद जो है कि जैसे ही शाम तक या कल तक स्टेटस अपडेट होता है कि किस कोर्ट में किस जज के पास कितने सीरियल नंबर पे अपना केस लगा हुआ है प्रेस, ये वैसे ही तुरंत ग्रुप में जो है कि डाल दिया जाएगा। फिलहाल आप लोगों का रीट नंबर है 11,822/2020, यही है। अब आप लोग इसको स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि क्या क्या हमारी मांग है इसमें, क्योंकि एक बार और बता देता हूं मैं, पहले भी ऑडियो के माध्यम से बताया गया, मैसेज के द्वारा बताया गया है, लेकिन एक बार और मैं आप लोगों को ये चीज बता देना चाहता हूँ कि इसमें हमारी मांग क्या है। सबसे पहली हमारी मांग यह है कि मेडिकल से पहले फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लगाना ये नियम गलत है, चाहे वो 49,568 की भर्ती हो चाहे 41,520 की भर्ती हो, ठीक है। दूसरी मांग हमारी ये है कि वेटिंग लिस्ट ना लगाना ये गलत नियम है, ये भी हमारी मांग इसमें है कि वेटिंग लिस्ट ना लगाना गलत है, वेटिंग लिस्ट लगाया जाना चाहिए, ठीक है। और तीसरी हमारी मांग ये है कि आप जो है कि बची हुई सीटों को कैरी फॉरवर्ड करते हो, ये तो बहुत ही अनुचित और मनमाना नियम है, अनकंस्टिट्यूशनल एक तरह से समझिए तो असंवैधानिक है ये। तो तीसरी मांग हमारी ये है, एक बार पुनः मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि मेडिकल से पहले फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लगाना गलत है, वेटिंग लिस्ट ना लगाना गलत है और इन बची हुई सीटों को कैरी फॉरवर्ड करना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है कि गलत तरीके से बनाया हुआ ये नियम है, यही बात है। बाकी जैसे ही रीट नंबर बाकी दो और रीटों का आता है ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये पहली रीट जो है कि अमरजीत यादव की आ गई है जो अपनी यूपीपी लीगल टीम के द्वारा डाली गई थी, और जैसे ही अन्य रीटों का रीट नंबर आता है तुरंत ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आज या कल में विकास जी का रीट नंबर आ जाएगा और अगले दो दिन में ही जो है कि इनका हैप्पी यादव का भी रीट नंबर आ जाएगा, जिसमें लगभग 200 के आसपास आप लोग याची थे, ठीक है भैया। तो यही बात है, धन्यवाद। और जैसे ही फिर बाकी सूचना मिलती है आप लोगों को तुरंत ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसकी सुनवाई 10 तारीख और 10 के बाद 11, 12 और 13 तीन दिन कोर्ट बंद रहेगा, शुक्रवार शनिवार और रविवार, और 14, 15 को फिर दोबारा कोर्ट खुलती है। तो 14 या 15 तारीख में इसकी पहली सुनवाई हो जाएगी, ये 14-15 से पहले ही हो जाएगी मुझे उम्मीद है। बाकी जैसा होगा ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा भैया, धन्यवाद। और एक बात जान लीजिए कि हम याचियों के लिए ही लड़ रहे हैं, याची प्राथमिकता है, क्योंकि हमें समाज सेवा नहीं करना है भैया, धन्यवाद।